Evet, sağ ol Ahmet yeğenim. Umid ettim kendisi önce. Adım Akkot. Bir kese formüle ki bari mi bitane jara raha hum. Jisko agar aap tıraş kar lehen. To aap ek kuşkubar ve sehetmen zindagi guzar sakte hain. Is formüle me aapko çar çizun ko tıraş karna hota hai. Agar bu aap tıraş kar lehen. To aap ek açı zindagi guzar sakte hain. Mene ye formüle ek movie me dekha hai. वैसे इस पे एक बुक भी है लेकिन मैंने मूवी से इसको पिक किया और मैंने कहा कि इस वीडियो को बनाना चाहिए ताकि बहुत से ऐसे लोग जो एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो इसको सुन के इससे फायदा उठा सकें। आजकल ग्रेजुएशन के बाद एक ग्रेजुएट को सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये आती है कि उसको पता ही नहीं होता कि उसका पैशन क्या है, वो क्या करना चाहता है। जिस काम को वो पसंद करते हैं वो उसमें अच्छे नहीं होते और जिस काम में वो अच्छे होते हैं वो उनको पसंद नहीं होता। इसलिए अगर वो ये करियर चूज करते हैं तो शायद उनकी डिप्रेशन और टेंशन में रहते हैं, उनका वो काम करने का दिल भी नहीं करता। इसकी वजह ये भी है कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम इतना वीक है कि उसमें इस बात पर तवज्जो दी ही नहीं जाती कि आपका पैशन क्या है, हाउ टू फाइंड अ पैशन। ये फार्मूला दरअसल जापान से आया है। जापान के एक जजीरे ओकिनावा में जो एवरेज एज है तमाम आदमी की वो 100+ है और वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश लोग हैं जो कि 90+ ईयर्स में जाके भी काम कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद हासिल कर लिया होता है, उनको पता होता है कि उनके गोल्स क्या हैं और वो उनके पीछे मेहनत करते हैं। वो जिस काम से प्यार करते हैं वही काम कर रहे होते हैं, उनको अच्छा पे भी हो रहा होता है और कम्युनिटी का फायदा भी हो रहा होता है। तभी भाषण की जिंदगी में डिप्रेशन होता है, न टेंशन होती है और वे खुशगवार और सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस फार्मूले के चार पार्ट्स होते हैं। आप स्क्रीन पर चार सर्कल्स देख रहे हैं। पहला पार्ट व्हाट यू लव, क्या आप क्या चीज पसंद करते हैं, आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है। इसका दूसरा पार्ट है व्हाट यू आर गुड एट, क्या आप किस काम में अच्छे हैं, क्या आपको वो काम आता भी है कि नहीं। तीसरा पार्ट है इसका व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, क्या आपको उसके बदले मार्केट से या कस्टमर से पैसे मिल सकते हैं अच्छे, कि इसमें अच्छी इनकम है कि नहीं। और चौथा जो पार्ट है वो है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, कि इस दुनिया को क्या चाहिए और जो आप उसको देख के अपनी कम्युनिटी की खिदमत कर सकते हैं। इन चार पार्ट को मिला के ये फार्मूला बनता है जिसे इकिगाई कहते हैं। अब हम इस फार्मूले को रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैं अपनी एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि मुझे शुरू से बिजनेस करने का बहुत शौक था, ये मुझे काम बहुत पसंद था, तो ये मेरा बन गया व्हाट यू लव। दूसरा स्टेप कि मैं 2-3 काम किए थे जिसकी वजह से मुझे मैनेजमेंट करनी आती थी, एम्प्लॉयज को मैनेज करना आता था, तो मैं उसमें अच्छा था। तो ये दूसरा पार्ट भी कम्प्लीट हो गया बट यू गुड एट। तीसरा पार्ट जो मैंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया फूड का, तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेड बिजनेसेस हैं, तो इससे मैं अच्छा कमा भी रहा था, तो मेरा तीसरा भी कम्प्लीट हो गया बट यू कैन बी पेड फॉर। अच्छा था, काफी लोगों को मुश्किल पेश आ रही थी क्या ऑफिस की कैंटीन्स या स्कूल्स वगैरह की कैंटीन्स में खाना अच्छा नहीं होता, तो मैं एक हेल्दी और हाइजेनिक मील प्रोवाइड कर रहा था। मेरा चौथा पार्ट भी कम्प्लीट हो गया व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। इस तरह मैंने अपने इकिगाई को फाइंड कर लिया। अब जब व्हाट यू गुड एट और व्हाट यू लव मिलते हैं तो पैशन बनता है, यानी मैं
बिजनेस करने में मुझे पसंद था और मुझे मैनेजमेंट स्किल्स आती थी, तो ये मेरा पैशन बन गया। जब बिरजू गुडेट, बिरजू के एमबी पेड फॉर मिलते हैं तो वो आपका प्रोफेशन बनता है। मैं मुझे मैनेजमेंट स्किल्स आती थी और स्कूल बिजनेस में इनकम भी अच्छी थी, तो ये मेरा प्रोफेशन बन गया। जब बट कैन यू बी पेड फॉर और व्हाट द वर्ल्ड नीड्स मिलते हैं तो वो आपका वोकेशन बनता है। मतलब मेरी इनकम भी अच्छी थी फूड बिजनेस में और मैं दुनिया को अच्छा हाइजेनिक खाना भी प्रोवाइड कर रहा था, तो ये मेरा वोकेशन बन गया। एंड द लास्ट, जब व्हाट द वर्ल्ड नीड्स और व्हाट द लव मिलते हैं तो उनका मिशन बनता है। तो ऐसे मैं दुनिया को अच्छा खाना प्रोवाइड कर रहा था और मुझे बिजनेस करना पसंद भी था, तो ये मेरा मिशन बन गया। जब आप इन चारों चीजों को फाइन कर लेते हैं तो आप एक अच्छी और खुशगवार और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। आप लोग कमेंट्स में इसका जवाब दें कि व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। जब आप ये चारों चीजें फाइन कर लेंगे तो आपने अपनी इकिगाई फाइन कर ली एंड नाउ यू कैन लिव हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा और आप लोगों को और कई लोग जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत है उनको मोटिवेट कर सकूँगा। अल्लाह ने के बाद